मैं अपनी दीदी के घर पे आई हूँ और मेरी दीदी की बेटी है एक कोटा में पढ़ाई कर रही है अभी और अभी इसके एग्जाम है तो अभी यहाँ पे आई हुई है अशोकनगर में। और बताएं आप किसकी पढ़ाई कर रही है? नीट 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 आगे बताओ पूरा। नीट मेडिकल कॉलेज के लिए। अच्छे डॉक्टर बनेगी और फिर हम सबका इलाज किया करेगी। बताइए बहन जी आप क्या कर रही हैं? हम बाटी बना रहे हैं, बाटी। अच्छा, और आपका पुत्र कहाँ गया? सुपुत्र? मेरा पुत्र गया स्कूल। अच्छा ओ माय गॉड, ओ भाई साहब भूख लगाई हमें तो। चलिए अचार नहीं खाती मैं, अचार हटा दो। थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी, बस बस मामूली सी बिल्कुल, बस 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 बस। हम नवोदय विद्यालय जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय ही है ना? हाँ, नवोदय विद्यालय जा रहे हैं। रीजन आपको संजू जी बताएंगे। बताइए जी रीजन, बताइए क्यों जा रहे हैं? आज मेरे सर जो मुझे पढ़ाया करते थे वो अभी भी यहीं हैं, उनका रिटायरमेंट है तो हम उनको विदाई देने जा रहे हैं जी, उनके विदाई समारोह में जी। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जब बनारस गई थी तो संजू मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लेके गए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी बताओ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जी। तो जब, और आप संजू मुझे अपने स्कूल लेके जा रहे हैं, संजू ने नवोदय से पढ़ाई की है और मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं संजू के स्कूल भी जा रही हूँ और मैं उनकी यूनिवर्सिटी भी होके आई हूँ। और मतलब जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के अंदर गई तो मैंने देखा, ओ भाई साहब, ऐसी भी यूनिवर्सिटी होती है। मैंने तो हिंदू डिग्री नेहरू डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की है तो मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैं तो देखती रह गई कि इतने बड़े एरिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो एंजॉय करते हैं। मतलब वो ऐसी यूनिवर्सिटी में कौन नहीं पढ़ना चाहेगा यार। तो अभी हम जाते हैं, आज का पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे और मैं आपको पूरा स्कूल का टूर भी दूंगी। मेरा भी सपना था कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करूं, लेकिन मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई, उतनी अच्छी नहीं थी शायद मैं पढ़ने में लेकिन ठीक है, अभी आज जाके मैं स्कूल घूम के आती हूँ और आपके साथ भी सबको शेयर करूंगी। तो चलिए वहीं मिलेंगे जाके डायरेक्ट, ठीक है, बाय। होता है ना बोधे यार अंदर से, मुझे नहीं था पता। ओ माय गॉड, ओके वाह। आपके स्कूल कैसा लग रहा है आपको बरसों बाद अपने स्कूल में आने? मतलब बरसों बाद तो नहीं आए, आप घूमने आते रहते हैं लेकिन फिर भी बताइए। बहुत अच्छा, मेरा सपना था यहाँ। क्या ये मैस के कर्मचारियों का क्वार्टर है? अच्छा, वो उधर हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। अच्छा, इधर बॉयज हॉस्टल है। अच्छा, इधर ये टीचर्स के क्वार्टर है। ओके, उसके पीछे गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा अच्छा, संजू मुझे अपने स्कूल की सैर करा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब बहुत 10 में से 8 बच्चों का सपना रहता है कि वो नवोदय में आके पढ़ाई करें। और नवोदय में जो बच्चा पढ़ गए ना उसकी जॉब तो पक्की है। KV का भी ऐसा ही है, KVS में जो पढ़ गए उसकी जॉब तो पक्की है। हाँ ऐसा बोला जाता है, जरूरी नहीं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? डाइनिंग हॉल में। अच्छा ठीक है, आज आपको पूरे नवोदय की सैर देते हैं तो आप ब्लॉग में बने रहिए। और अगर आपका भी सपना था नवोदय में आके पढ़ाई करने का, या आप भी चाहते थे कि नवोदय, आप जानना चाहते थे कि नवोदय स्कूल कैसा है अंदर से, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए। मैं बैक कैमरे से अब आपको सब कुछ दिखाती हूँ। अपना फेवरेट प्लेस बताएं, यहाँ पे बैठ के आप खाना खाते हैं।
कहाँ पे? थोड़ी चेंज हो गई है इस साइड में। अच्छा, हमारा हाउस वाइज बैठते हैं बच्चे आगे। अच्छा, हाउस वाइज बैठ के खाना खाते हैं। हमारा हाउस उधर बैठा करता था, राजीव हाउस, मैं उसका कैप्टन हुआ करता था। नमस्ते नमस्ते, यहाँ पे खाना बनता है? बहुत बढ़िया। सब्जियाँ कट रही यहाँ पे। कौन सी सब्जी बनेगी आज रात में डिनर में? मटर पनीर। मैं अभी योगा डेढ़ बजे करेंगे। अच्छा, और सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है? नमस्ते भैया, नमस्ते। अच्छा, सुबह मॉर्निंग आलू पूरी थी ब्रेकफास्ट में। अच्छा, और अभी ये और रात में मटर पनीर। अच्छा, रात में मटर पनीर मिलेगा। और 4 बजे स्नैक्स में चमचम। अच्छा, ये पूरा राशन रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आटा कहाँ से आता है? आटा मैं यहाँ 2004 से। 2004 से? आपने पढ़ाई नहीं की इस स्कूल में? नहीं, सिर्फ काम ही किया। अच्छा, और आप यहाँ पे किसके साथ रहते हैं? फैमिली के साथ? नहीं, मैं अकेला, मतलब इस घर से अप डाउन करता हूँ। अच्छा, अभी भी आप अप डाउन ही करते हैं? हाँ। अच्छा, जैसे पूड़ी वगैरह नाश्ते में रहती है तो अंकल के यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? जब हम थे तब भी थे ये, तब ऐसे ही थे और अभी भी वैसे ही है। अच्छा, 25 साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल मतलब हमसे पहले के है, लेकिन जब हम थे तब भी वैसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। अच्छा, भगवान चाहो ऐसे रहे। अच्छा, अपने नाम से। अच्छा, उनको हमें उनकी टेक केयर हमें करनी होती थी। अच्छा, पानी हम देते थे, उनकी देख रेख करते थे। अच्छा, देखते हैं अभी है कि नहीं वैसे। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है तो अभी होना चाहिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं। आप पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये वाइट अच्छा, ये आपने लगाया था और ये बड़ा हो चुका है काफी। ये पतझड़ के मौसम में इसलिए थोड़ी पत्तियाँ नहीं दिख रही है, तो बहुत अच्छा दिखाई देता। पेड़ लगाया था आज भी है तो अच्छा लग रहा है। पेड़ को देख बचपन की यादें ताजा हो गई है ना। और अब आपको मिलाते हैं संजू के टीचर से, जिनका रिटायरमेंट था। उन्होंने स्कूल के पास में मंदिर है, यहाँ पर पूजा रखी थी और हमें इनवाइट किया था। तो आगे चलिए और देखिए। संजू के टीचर जो हैं वो मुरैना से हैं गाइस, तो उनकी सारी फैमिली मुरैना से यहाँ नवोदय विद्यालय में आई हुई थी और सबके साथ हमने भी मिलकर पूजा की। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा बेस्ट दिन था ये यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम सब ने
प्रसाद ग्रहण किया और मैंने यहाँ पे थोड़े से क्लिप लिए हैं पूजा के, और यहाँ पे मैंने बच्चों के क्लिप लिए हैं क्योंकि बचपन याद आ गया मुझे, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे माइक के साथ। और फिर संजू ने यहाँ सर से आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। और जब हम अपने घर के लिए जाते हैं अशोकनगर, तो रास्ते में विजयपुरा का ये पहाड़ पड़ता है जिसके ऊपर एक मंदिर है जहाँ देवी माँ विराजमान है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और आप जब पहाड़ पर ऊपर जाते हैं तो आप नीचे का नज़ारा देखते हैं। खेत बहुत हरे भरे दिख रहे थे क्योंकि अभी खेती का टाइम है। और यहाँ पर मंदिर में यज्ञ भी होते हैं, मेले भी लगते हैं, लेकिन वो समय समय की बात है। जब अभी हम गए थे तो यहाँ पर बहुत खाली था, कोई नहीं था यहाँ पर हमारे अलावा पंडित जी थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो नज़ारा जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। तो सामने देखिए आपको नवोदय विद्यालय नज़र आ रहा होगा, और नवोदय विद्यालय के जस्ट पास में ये मंदिर है जहाँ संजू की टीचर ने पूजा रखी थी, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। और फिर जब हम अपने घर के लिए निकले तो गर्मी बहुत तेज़ थी और संजू ने मुझे पिलाया गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस पीने के बाद हम चले गए अपने घर के लिए वापस।